नमस्कार दोस्तों, आईडू चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आगामी एग्जाम यूपीपीसीएस जो 14 मई 2023 को इसकी परीक्षा तिथि जो है संभावित है। तो जो लोग यूपीपीसीएस का एग्जाम जो है देना चाहते हैं, तो उनके लिए करेंट अफेयर्स का ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आपको 50 प्रश्न हल कराए जाएंगे और जो भी आने वाला एग्जाम है जिसमें करेंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जनवरी 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास, नाम याद रखिएगा, एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वाराणसी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जो है विश्व की सबसे लंबी ये रिवर क्रूज है, जो कि नाम है इसका एमवी गंगा विलास, को हरी झंडी इन्होंने दी है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वाराणसी। दूसरा प्रश्न है, जनवरी 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुल कितने बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किया है? तो 21 जो बड़े द्वीप हैं उनका नामकरण किया गया है, और यह नामकरण देश के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर जो है किया गया है। और कब किया गया? तो ये पराक्रम दिवस के अवसर पर किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो पराक्रम दिवस पूछा जा सकता है कब मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 जनवरी को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 21 द्वीपों जो कि अनाम द्वीप था इनका नामकरण अब किया गया है। किन के नाम पर किया गया है? तो जो देश के परमवीर चक्र विजेता थे उनके नाम पर इनका नाम रखा गया है। तीसरा प्रश्न है आपका, 12 से 16 जनवरी 2023 तक 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया है हुबली कर्नाटक में, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हुगली नहीं है, हुगली आपका पश्चिम बंगाल में है, हुगली जो जगह है ये आपका कर्नाटक में है, और हुगली जो रेलवे स्टेशन है भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन भी अब हो गया है। पहले था गोरखपुर रेलवे स्टेशन, लेकिन अब गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो आपका दूसरे नंबर पर हो गया है, पहले नंबर पे है हुबली। तो दो क्वेश्चन यहाँ से जो है हुबली से पूछा जा सकता है कि 12 से 16 जनवरी 2023 तक 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कर्नाटक के हुबली में किया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2023 में भारत की रैंक कितनी है? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है हमेशा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो भारत की जो रैंक है 2023 में वह 85 यानी कि 85वां स्थान है भारत के पासपोर्ट का। पहले नंबर पे है जापान का पासपोर्ट, जापान का पासपोर्ट जो पहले नंबर पे है, और सबसे अंतिम जो रैंक है वो आपका अफगानिस्तान का है। यहाँ पे भारत का पूछा गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 85। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्कूल खोलने के लिए कम से कम कुल कितने वर्ग मीटर भूमि होना निर्धारित किया गया है? तो कम से कम 3,000 वर्ग मीटर जो है भूमि का होना अनिवार्य है स्कूल खोलने के लिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में लाल किले पर जय हिंद नया प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किया है। तो यह किया गया है जनवरी 2023 में, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री ने खेलो इंडिया अभियान के तहत देश में कुल कितने केंद्र खोले जाने की घोषणा की है? तो इन्होंने 1,000 नए केंद्र खोले जाने की घोषणा की है। केंद्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री, इनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर। यदि पूछे केंद्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री कौन है, तो अनुराग सिंह ठाकुर है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2022 में जारी किए गए सामाजिक प्रगति सूचकांक में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की रही है? तो ये रहा है बिहार का, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरो जोन में
शामिल होने वाला 20वां देश हो गया है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश जो है वो है आपका क्रोएशिया। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जनवरी 2023 में कुल कितनी विभूतियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है? तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो है पहले ये आपका यश भारती के तर्ज पर ये आपका सम्मान अब दिया जाएगा। पहले जो है यश भारती पुरस्कार दिया जाता था, अब इसे बंद करके उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो है दिया जा रहा है। इस बार चार विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा और इसमें प्रत्येक लोगों को 11 लाख रुपए का इसमें पुरस्कार राशि भी जो है दी जाएगी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, चार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने मुंबई वन मोबाइल ऐप एवं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया गया है जनवरी 2023 में। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जनवरी 2023 में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो यह आयोजन किया गया है 11 से लेकर के 17 जनवरी तक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो स्वच्छता पखवाड़ा याद रखिएगा 11 से 17 जनवरी तक जो है आयोजित किया गया है। जनवरी 2023 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 148वां स्थापना दिवस मनाया गया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का। अगला क्वेश्चन अब है। जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान उद्यान मयूर स्तंभ राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है राजस्थान में। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया 46वां स्थापना दिवस समारोह। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब है। निम्नलिखित में से कब भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया 30 दिसंबर 2022 को। और एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि उत्कर्ष 2.0 किसके द्वारा या किस संस्था के द्वारा ये जारी किया गया या लॉन्च किया गया? तो आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। कब किया गया है? तो 30 दिसंबर 2022 को। अगला प्रश्न है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान FAE जारी किया। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान किया गया है? तो 7% की वृद्धि की दर से जो है यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने का अनुमान किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किस संस्था के द्वारा? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के द्वारा जो है ये जारी किया गया है। निम्नलिखित में से कब तक पूरे देश को डॉपलर मौसम यानी कि वेदर रडार नेटवर्क से कवर करने की योजना है? तो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2025 तक जो है पूरे देश को डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क से कवर करने की योजना है। और जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में कुल कितने मेगावाट क्षमता की SJVN की वीका ने राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है? कितने मेगावाट की है ये? 1000 मेगावाट की ये परियोजना है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसकी आधारशिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा रखा गया है किस राज्य में? तो राजस्थान में। इसकी कितनी मेगावाट क्षमता है? तो 1000। अगला प्रश्न है। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस राज्य की तर्ज पर राज्य में खेती का सर्वे किए जाने की घोषणा की है? तो ये कर्नाटक सही हुआ यहाँ पे। कर्नाटक राज्य की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अब जो खेती का सर्वे किए जाने की घोषणा की है। जनवरी 2023 में विश्व हिंदी दिवस के अंतर्गत भारतीय उच्चायोग ने निम्न में से किस देश में एक हिंदी पीठ स्थापित करने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया श्रीलंका ने। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इसी के अवसर पर भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका के साथ हिंदी
एक हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए जो है समझौता हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिसंबर 2022 से लागू हो गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है लागू हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है, ये मंजूरी दी गई है 4 जनवरी 2023 को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, डॉपलर मौसम यानी कि वेदर रडार नेटवर्क के तहत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक कुल कितनी जिला कृषि मौसम विज्ञान इकाइयां स्थापित करने की योजना है? तो करीब 660, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश के कुल कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया गया था? तो इस जो वर्तमान वर्ष है, भारत जो है आपका मोटे अनाज का वर्ष, या हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये मोटा अनाज वर्ष के रूप में जो है मनाया जा रहा है, तो यहाँ से भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो 2020-21 का डाटा पूछा गया, तो यहाँ पे सही होगा आपका 10.83 लाख हेक्टेयर जो है उत्तर प्रदेश में कुल जो है क्षेत्रफल में जो है मोटा अनाज बोया गया था 2020-21 में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में अमेरिकी मौसम विज्ञान सोसाइटी की निम्न में से कौन सी वार्षिक बैठक में समताप मंडली ओजोन परत पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है? तो यह किया गया 103वीं बैठक, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कब तक आर्कटिक के ऊपर समताप मंडली ओजोन परत का स्तर 1980 के स्तर तक पहुंचने का लक्ष्य है? तो यह है 2045 तक, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्न में से किस पौधे को वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत सूचीबद्ध किया है? ये किया गया नील कुरिंजी को, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, एक प्रश्न यहाँ से बनता है, तो 1972 में पारित हुआ था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो इसी की अनुसूची 3 के तहत जो है सूचीबद्ध किया गया है नील कुरिंजी को, किस मंत्रालय के द्वारा? तो भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2023 में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो इनका नाम याद रखिएगा शिवा चौहान है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के निम्न में से कितने मेडिकल कॉलेजों में दिसंबर 2022 से HMIS सेवा प्रारंभ की गई है? तो ये किया गया है 22 मेडिकल कॉलेजों में, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, 2022 के अनुसार महामारी के दौरान स्कूल बंद होने के बावजूद कुल नामांकन आंकड़े 2018 में 97.17% से बढ़कर 2022 में कितने हो गए थे? तो यहाँ पे आपका 98.4% सही हुआ, 97.17% से बढ़कर 2022 में यह डाटा 98.4% हो गया था। यह असर का रिपोर्ट है, यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, अभी पीछे कुछ जो क्वेश्चन था, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? तो हुबली कर्नाटक में किया गया था। तो यहाँ पे प्रश्न है कि युवा शिखर सम्मेलन के दौरान G20 एवं Y20 आयोजन में कुल कितने विषयों पर चर्चा की गई? तो 5 विषय पर जो है चर्चा की गई थी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आयोजन याद रखिएगा हुआ था हुबली कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां पर जनवरी 2023 में साड़ी महोत्सव विरासत के दूसरे चरण का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया नई दिल्ली में, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट निम्न में से किस देश का है? तो पहले जो स्थान पे है वो है जापान, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जो विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है वो जापान का है, सबसे खराब जो स्थिति है वो है अफगानिस्तान का। भारत का रैंक है 85 में स्थान पे है भारत का पासपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 2022 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया है?
ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में बलिया नहीं बल्कि जो है बस्ती होगा, ये मिस प्रिंट है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का वर्चुअली उद्घाटन इन्होंने किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे बस्ती सही होगा, बस्ती जिले में उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2023 के लिए विश्व का सबसे खराब पासपोर्ट निम्न में से किस देश का है? तो अभी आपको बताया गया सबसे खराब जो स्थिति है वो अफगानिस्तान का है, सबसे जो शक्तिशाली पासपोर्ट है वो जापान का है, और भारत का रैंक है 85, यानी कि भारत का पासपोर्ट जो है 85वें स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर भारत और यूनाइटेड किंगडम ने युवा पेशेवर योजना YPS के तहत कुल कितने डिग्री धारक नागरिकों यानी कि 18 से 30 वर्ष की आयु तक तो एक दूसरे के देशों में रहने एवं कार्य करने हेतु तो 2 वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दी जाने की व्यवस्था की है? तो यह क्या है, 3,000, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सबसे पहला जो यहाँ से प्रश्न एक बन सकता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इंदौर में किया गया है, याद रखिएगा इंदौर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके ने युवा पेशेवर योजना जिसे शॉर्ट फॉर्म में YPS कहा जाता है, इसके तहत कुल 3,000 डिग्री धारक नागरिकों को जिनकी आयु 18 से 30 वर्ष की है उनको एक दूसरे के देशों में रहने एवं कार्य करने हेतु 2 वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दी जाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत स्टार्टअप्स के लिए हॉटस्पॉट के रूप में उभरने के साथ कुल कितने यूनिकॉर्न के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है? तो यह है 108 यूनिकॉर्न, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के द्वारा उत्कर्ष 2022 की शुरुआत निम्न में से कब की गई थी? तो उत्कर्ष 2022 की शुरुआत जो हुई थी जुलाई 2019 में जो है यह किया गया था, और उत्कर्ष 2.0 जो शुरू किया गया था वो 30 दिसंबर 2022 को RBI की गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया गया था। तो आपसे पूछा गया उत्कर्ष 2022, तो ये आपका जुलाई 2019 में ही जो है आपका शुरू किया गया था, और उत्कर्ष 2.0 पूछा जाए तो ये आपका शुरू किया गया था 30 दिसंबर 2022 को। और उत्कर्ष 2.0 क्या है, तो ये डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में जो भारत की उपलब्धि को प्रदर्शित करने और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार में भारतीय रुपए की जो स्वीकृति की दिशा में एक अनूठा अवसर यह देता है। तो 2.0 पूछा जाए कब शुरू हुआ, 30 दिसंबर 2022 को, और उत्कर्ष 2022 कब शुरू हुआ, तो ये आपका जुलाई 2019 में ही इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा सुर सरिता सिंफनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया है, तो किया गया वाराणसी में, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो ये है केरल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और निम्नलिखित में से कहाँ पर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आपको बताया जा चुका है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन जो हुआ इंदौर में हुआ है। इंदौर कहाँ है, वो मध्य प्रदेश में है, यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा, काफी महत्वपूर्ण है। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो है यानी कि 9 जनवरी को ही गांधी जी, 9 जनवरी आपका 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, तो इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम भी पूछा जाता है, याद रखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस का थीम यदि पूछा जाए तो इसका थीम है कि स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान, 2023 का थीम है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में NTPC ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य से की है? तो यह शुरू हुआ है गुजरात से, तो
सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारत के कौन से बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये भारत के पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं दोहरा शतक लगाने वाले। इसके पहले रोहित शर्मा, जो 3 बार जो है भारत की तरफ से दोहरा शतक इन्होंने लगाया है, वीरेंद्र सहवाग हैं, इन्होंने भी दोहरा शतक लगाया है, और सचिन तेंदुलकर हैं, इन्होंने भी दोहरा शतक लगाया है, और ईशान किशन हैं। और जो शुभमन गिल हैं, ये भारत के पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने वनडे में दोहरा शतक लगाया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने राज्य की स्थापना दिवस के अवसर पर प्रत्येक जिले को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कितनी राशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो 3 लाख रुपए दान किए जाने की घोषणा की गई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में बीसीसीआई की ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है? तो बनाया गया है चेतन शर्मा को। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निम्न में से किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है पंजाब में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जनवरी 2023 में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये प्रश्न यहाँ से जो बन सकता है या बनता है कि भारत और फ्रांस के बीच कौन सा द्विपक्षीय नौसेना सैन्य अभ्यास होता है? तो वरुण नाम से यह सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है, और ये वरुण जो सैन्य अभ्यास है इसका कौन सा संस्करण का आयोजन अभी किया गया है जनवरी 2023 में? तो इसका 21वीं संस्करण का आयोजन किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? वरुण। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे तेज गेंदबाज जिन्होंने हाल ही में 155 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंद फेंकी है, तो ये हैं उमरान मलिक, जिन्होंने 155 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंद फेंकी है। ये भारत के सबसे तेज गेंदबाज जो है बन गए हैं। अगला और अंतिम प्रश्न ये है, 16 से 17 जनवरी 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत इसके अवसंरचना कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों, ये था आपका उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके यूपीपीसीएस एग्जाम 2023 के लिए, जिसकी परीक्षा तिथि है 14 मई 2023। काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।